हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटरिगर के लोड कैलकुलेशंस के बारे में। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे और जिसके थ्रू जो है आउटरिगर के ऊपर लोड कैलकुलेशन जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम जानने वाले हैं कि लोड मोमेंट अगर 10 टन का है और आउटरिगर की जो लेंथ है वो अगर 10 फीट की है तो इस केस में जो है हम आउटरिगर का जो है लोड कैलकुलेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टर्म है यानी कि लोड मोमेंट, इसको क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है एक क्रेन है, ये एक क्रेन है, ठीक है। और क्रेन का जो है ये क्रेन जो है ये उसका हुक हो गया क्रेन का, और ये जो है कुछ लोड उठा रही है, ठीक है। क्रेन से जो है कुछ लोड उठा रही है, ये हो गया लोड, ठीक है। और ये जो है क्रेन का जो है ये सेंटर हो गया, मतलब उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। तो सेंटर ऑफ लोड से लेकर सेंटर ऑफ रोटेशन तक का जो है ये डिस्टेंस हो जाता है, इसे कहते हैं हम रेडियस, ठीक है। तो ये क्रेन से लोड तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और ये लोड जो है क्रेन से उठा रहे हैं। अब समझते हैं लोड मोमेंट क्या होता है। लोड मोमेंट यानी कि होता है लोड का वेट कितना है मल्टीप्लाई बाय लोड का जो है रेडियस क्या है। मतलब किसी भी जो है लोड का जो वेट है वो आप अगर उठा रहे हो तो उसका जो है उठाते वक्त जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो रहेगा, यानी कि क्रेन से जो सेंटर ऑफ जो रोटेशंस रहेगा उससे जो है एक डिस्टेंस पर रहेगा, तो उसी को ही जो है यहाँ पर लोड मोमेंट जो है वो कहा जाता है। अगर आपकी जो क्रेन है उसमें अगर LMI लगा हुआ है, LMI का मतलब होता है लोड मोमेंट इंडिकेटर, तो लोड मोमेंट अगर इंडिकेटर जो है अगर आपके इसमें है, क्रेन में अगर है, तो आपको जो है इसके बारे में जो है जानकारी मिल जाती है, यानी कि उस LMI में ही जो है लोड मोमेंट क्या है वो आपको जो है वहाँ पर दिखाई देता है। मतलब 5 टन है, 10 टन है, जो भी है वो रीडिंग आपको जो है वहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया लोड मोमेंट यानी कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं आउटरिगर लेंथ की। अब ये क्रेन होगी, अब हर जो भी क्रेन होती है उसकी जो है 4 आउटरिगर होते हैं, ठीक है। ये पहला आउटरिगर हो गया ऐसा, ये दूसरा, ठीक है, वैसी जो है ये तीसरा आउटरिगर और ये चौथा आउटरिगर। अब ये मोबाइल क्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्राउलर क्रेन में जो है आउटरिगर नहीं होते हैं, तो मोबाइल क्रेन में जो है 4 जो है यहाँ पर आउटरिगर हो जाएंगे। अब आउटरिगर की लेंथ यानी कि क्या, तो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी कि क्रेन का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है यहाँ से जो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट तक, कहाँ तक कि जहाँ पर जो है आउटरिगर जो है वो ग्राउंड के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि ये जो आउटरिगर है ये यहाँ पर जो है ग्राउंड के साथ में जो है कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ये जो आउटरिगर है ये ग्राउंड के साथ में जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सेम वैसे ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो इसी को ही जो है ये जो डिस्टेंस है आउटरिगर की जो है लेंथ, इसको जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं आउटरिगर के लोड के बारे में। तो आउटरिगर का जो लोड है वो क्या है कि लोड का मोमेंट क्या है। अब लोड के मोमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लोड का मोमेंट क्या है, तो लोड की मोमेंट क्या है डिवाइडेड बाय आउटरिगर लेंथ क्या है। तो आउटरिगर लेंथ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तभी जो है हम यहाँ पर जो है आउटरिगर का लोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है जो एग्जांपल है उसके थ्रू जो है इसको समझते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि लोड का जो मोमेंट है वो है 10 टन। मैंने आपको बताया कि LMI इंडिकेटर अगर आपके क्रेन में अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर जो है उसके थ्रू जो है आपको लोड मोमेंट क्या है वो ईजिली जो है पता चल जाता है। तो लोड मोमेंट है यहाँ पर 10 टन और आउटरिगर की जो लेंथ है वो है 10 फीट, ये भी जो है आपको पता चली जाती है। अब आपको लोड का मोमेंट और आउटरिगर की लेंथ अगर पता चल जाती है तो इसके बेसिस के ऊपर जो है आप आउटरिगर लोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब आउटरिगर लोड जो फार्मूला मैंने आपको बताया जो है लोड की मोमेंट डिवाइडेड बाय आउटरिगर की लेंथ, तो हमने लोड मोमेंट यहाँ पर लिख लिया वो है 10 टन डिवाइडेड बाय है 10 फीट। तो इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो आएगा 1 टन पर फीट। इसका मतलब क्या है 1 टन पर फुट, इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटरिगर का जो लोड है इसके ऊपर जो है 1 टन पर फुट के ऊपर जो है ये इतना लोड जो है वो आ रहा है, ठीक है। मतलब
आउटरिगर जो एक्सटेंशंस होता है उसके हर एक फुट के ऊपर जो है यहाँ पर इतना जो है फोर्स वो उसके ऊपर जो है एग्जर्टेड हो रहा है उस आउटरिगर के ऊपर, ताकि जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सके। तो कितना है वो है एक टन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप जो है आउटरिगर लोड का जो है कैलकुलेशंस करते हो तो इसको जो है हमेशा आपको जो है कंपेयर करना है क्रेन के जो आउटरिगर लोड कैपेसिटी है जो स्पेसिफाई की गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा उसके साथ में, साथ ही साथ जो है आउटरिगर लोड कैपेसिटी जो है वो हमेशा जो है ज़्यादा होनी चाहिए जो कैलकुलेटेड आउटरिगर जो लोड है उससे, ताकि जो है हम सेफ क्रेन का जो ऑपरेशंस है उसको कर सके और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी वहाँ पर जो है मेंटेन कर सके। हमेशा जो है आपने मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, लोड चार्ट जो है उसको फॉलो करना है, सेफ्टी प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है जब भी आप जो है ऐसे कैलकुलेशंस को जो है परफॉर्म करते हो तब। तो इस तरीके से जो है आप आउटरिगर का जो लोड है उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आउटरिगर के लोड कैलकुलेशन जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।